Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. In last video we started second chapter of history और हमने पढ़ा था कि why do people travel, कि जो people है क्यों travel करते हैं. Today we will have the continuity of same chapter और आज हम पढ़ेंगे कि how was our country named India and भारत, कि हमारी जो country का जो नाम है India और भारत कैसे रखा गया, और जानेंगे कि how archaeological and literary sources help to know in our past. So let's start. Now how was our country named India and भारत, कि हमारी जो country का नाम है India और भारत कैसे रखा गया. First we will discuss about the India. पहले हम किसके बारे में discuss करेंगे बेटा, India के बारे में. बेटा about 2500 year ago the Iranian and Greek, कौन आए थे इंडिया के अंदर, Iranian and Greek कम हेयर, यहाँ आए थे through the northwest side. कौन सी साइड से, northwest side से. और they were familiar with the river Indus, वो किस रिवर्स के बारे में जानते थे, ओनली इंडस रिवर्स के बारे में जानते थे. और दे कॉल्ड इट हिंडोज एंड इंडोज, वो इस रिवर्स को किस नाम से जानते थे, हिंडोज एंड इंडोज रिवर्स के नाम से जानते थे. और बेटा द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर, और हमारी जो इंडस आपकी जो रिवर है उसके साइड की जो ईस्ट पार्ट की जो लैंड थी इट वॉज कॉल्ड इंडिया, उसको किस नाम से जाना गया, इंडिया के नाम से जाना गया. और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इंडिया जो वर्ड है इट कम फ्रॉम द इंडस, कौन से वर्ड से बना हुआ है, इंडस वर्ड से बना हुआ है. नाउ भारत, भारत बेटा, भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो हमारा जो भारत जो वर्ड है इट वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक आपके पीपल के ग्रुप के लिए यूज किया जाता था. और कौन से पीपल्स के लिए, जो कहाँ रहते थे, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट साइड, कौन सी साइड में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट साइड के अंदर रहते थे. और बेटा आपको पता है कि जो हमारा जो ऋग्वेद है इट वॉज कम्पोज अबाउट द 3005 ईयर एगो, कितने साल पहले आपका कंपोज्ड किया गया था, 3500 ईयर एगो पहले. और इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के अंदर, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर. और बाद में जो हमारा जो भारत जो वर्ड है जो नेम है इट वाज यूज्ड फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए है यूज किया जाने लगा था. नाउ हिंदू, बेटा जो हमारा जो वर्ड है हिंदू जो वर्ड है आल्सो कम्स फ्रॉम द इंडस, कौन से आपके वर्ड से बना हुआ है, इंडस वर्ड से बना हुआ है. और आपको पता है कि जो रिवर जो इंडस है इट वाज कॉल्ड सिंधु, इसको किस नाम से जाना जाता है, सिंधु नाम से जाना जाता है इन द संस्कृत लैंग्वेज के अंदर. और बेटा जो इरानियन है जो ग्रीक है वो हमारी जो इंडस रिवर्स है उसको किस नाम से जानते थे, दे कॉल्ड इट हिंडोज, किस नाम से जानते थे, हिंडोज के नाम से जानते थे. Now we will discuss about the archaeological sources. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, archaeological sources के बारे में पढ़ेंगे. And our next point is remains of the buildings or monuments. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, remains of the buildings और monuments के बारे में. बेटा any structure, building और जो site that is of the historical, जो आपकी historical होती है is not less than आपका 100 year old, is आपका एन एंशियंट मोनूमेंट इन इंडिया, उसमें इंडिया के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है, दीज आर नोन एज द एंशियंट मोनूमेंट्स के नाम से जानी जाती हैं. और इट मे बी आइदर बी ब्यूरिड अंडर, और कई बार है ये आपके ज़मीन के नीचे दबे हुए भी पाए जाते हैं. इन द केस ऑफ द हड़प्पा एंड मोहन जोदारो वाले आपके एक्सक्वेशन को केस के अंदर हमने कई बार देखा ना, कई बार हमारे जो जो बिल्डिंग्स है जो हमारे जो ओल्ड जो हमारे जो इक्विपमेंट है वो हमें है आपके अर्थ सरफेस के नीचे से भी प्राप्त होते हैं. बट बेटा इट मे बी स्टिल स्टैंडिंग, और कई बार है वो आपके अभी तक आपके स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी पाए जा सकते हैं. लाइक जैसे कि रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जो हमारा जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, ताजमहल इन आगरा, जो हमारा ताजमहल है आगरा के अंदर. और बेटा जो हमारे जो मोनूमेंट्स हैं मे बी इन द फॉर्म ऑफ द टेम्पल्स, टेम्पल्स की फॉर्म्स में हमारे होते हैं, फोर्ट्स की फोर्ट्स में आपके फॉर्म के अंदर होते हैं, जो किले होते हैं या फिर हमारे जो पैलेसेज होते हैं या फिर स्तूपाज होते हैं, ये सब क्या है, दीज आर आवर मोनूमेंट्स, क्या है हमारे जो मोनूमेंट्स हैं. और बेटा दे प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन, क्या करते हैं वो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, किसके बारे में, हमारे जो आर्ट है स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बताते हैं. या फिर उस मैपी जो हमारी जो पीपल है उन उनकी सोशल या इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमें ये इन्फॉर्म्ड करते हैं. ओके बेटा, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट,
क्वाइंस, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, डिस्कस करेंगे क्वाइंस के बारे में। बेटा द स्टडी ऑफ क्वाइन इज नोन एज द न्यूमिस्मैटिक, उसको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, यानी कि न्यूमिस्मैटिक क्या है एंड द स्टडी ऑफ क्वाइन। और बेटा क्वाइन टेल्स अस अबाउट द किंग्स के बारे में बताते हैं, द एक्सटेंड ऑफ देयर एम्पायर, उस समय के जो राजा हैं उनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताते हैं, डेट्स के बारे में बताते हैं, या फिर उस समय पर यूज की जाने वाली लैंग्वेजेस के बारे में बताते हैं, ट्रेड के बारे में बताते हैं, रिलीजियंस के बारे में बताते हैं, या उस समय के जो आर्ट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करते हैं विद द आपका थ्रू द क्वाइंस के द्वारा। और बेटा एग्जाम्पल के तौर पर आपको देख सकते हैं कि जो हमारा जो समुद्रगुप्त का जो क्वाइन है और उसने अपने आप को है एक वीणा आपका बजाते हुए अपने क्वाइन के ऊपर है प्रदर्शित किया था, आपका जो है आकृति के अंदर आपका जो क्वाइन है वो आपका दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त है वो जो राजा है ही वॉज वेरी आपका इंटरेस्टेड इन द वीणा प्लेइंग के अंदर, आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अदर ऑब्जेक्ट्स, बेटा अदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर वी कैन इंक्लूड द टूल्स या फिर वेपन्स या फिर पॉट्स या फिर पैंस या फिर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो हम आपका प्राप्त करते हैं बाय डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। और बेटा दीज ऑब्जेक्ट्स में भी मेड ऑफ द स्टोन्स, किस चीज़ के बने होते हैं, या तो स्टोन के बने होते हैं या फिर बोन के बने होते हैं या फिर आपके बेक्ड जो क्ले हैं उनके बने होते हैं या फिर आपके दीज आर मेड ऑफ द मेटल्स, किसके बने होते हैं मेटल्स के। नाउ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर वी कैन इंक्लूड द लिटरेरी सोर्सेज को इंक्लूड कर सकते हैं। और आपको पता है जो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी आपका रिसोर्सेज होते हैं, जबकि हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी आपके रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं। बेटा जो हमारी जो बुक्स होती हैं डेट वर रिटन इन द हैंड आपका लॉन्ग एगो, जो हमारे हाथों से जो लिखी गई थी, हैंड रिटन थी, दीज आपकी जो बुक्स वर कॉल्ड आपका मैन्यूस्क्रिप्ट, वो क्या की जाती हैं आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट की जाती हैं। और बेटा आपको पता है कि जो आपकी उस समय पर जो टू टाइप्स की जो आपकी मटेरियल है यूज़ किए जाते थे फॉर राइटिंग दीज बुक्स, इन बुकों को लिखने के लिए, और वो कौन से आपके मटेरियल थे, जैसे कि जो तो पाम लीव्स होता था या फिर आपका स्पेशल आपका प्रीपेड आपकी बार्क होती थी ऑफ ए ट्री की नोन एज द बिर्च, जो को किस नाम से जानी जाती थी, बिर्च के नाम से जानी जाती थी। और ये ट्री कहाँ पर ग्रोज होता था, कहाँ पर उगाया जाता था, इन द हिमालयज के अंदर। और बेटा दीज मैन्यूस्क्रिप्ट आर फॉर्म इन द ऑफ द एपिक्स, कौन सी फॉर्म के अंदर पाई जाती थी, या तो एपिक्स के अंदर, पोएम्स के अंदर या फिर प्लेज के अंदर आपकी लिखी जाती थी। और दीज वर रिटन इन द संस्कृत, जो हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर आपकी लिखी जाती थी या फिर आपकी प्राकृत लैंग्वेज। और प्राकृत लैंग्वेज कौन सी होती थी, लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, जो हमारी ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज है उसको किस नाम से जाना जाता था, इट इज कॉल्ड द प्राकृत लैंग्वेज कही जाती है, और या फिर हमें तमिल लैंग्वेज यूज की जाती थी फॉर रिटर्न ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इंस्क्रिप्शन, बेटा इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, दीज आर रिटन ऑन द आपका हार्ड सरफेस, जो कहाँ पर लिखे जाते हैं, हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे जाते हैं, जैसे कि स्टोन्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, या फिर आपका दे कैन बी रिटन ऑन द पेपर आल्सो, वे पेपर पे भी लिखे जा सकते हैं। और बेटा दे कन्वेट द किंग ऑर्डर्स, वो क्या किस किस को कन्वे करते हैं, दे कन्वेट द किंग ऑर्डर्स को कन्वे करते हैं, दे आर डीड्स उनके कार्यों को बताते हैं, दे आर आपका प्रीचिंग उनके जो उपदेश हैं उनके बारे में इंडिकेट्स करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो हमारे अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है जो किंग के हैं, ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ द विक्टोरीज इन बैटल एज इंस्क्रिप्शन, ज़्यादातर जो उसके जो इंस्क्रिप्शन है वो किस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, दीज इंस्क्रिप्शन हैव द रिकॉर्ड ऑफ द विक्टोरीज ऑफ द बैटल ऑफ द किंग अशोका, जो हमारे किंग अशोका हैं उस समय पर जो उन्होंने जो विक्टोरी की थी, जो विजय प्राप्त की थी, उनके बारे में जो रिकॉर्ड है वो उनके ऊपर लिखा गया है। और ऑन द अदर हैंड बेटा जो ऑर्डिनरी मैन थे या फिर ओमैन थे डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड, वो आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे अपने डीड्स का, अपने कार्यों का, क्योंकि वो ज़्यादातर आपका किसके अंदर आपका अंगेज रहते थे, अपने कार्यों के अंदर अंगेज रहते थे, क्योंकि देवर पुअर, वो पुअर थे, इलिटरेट थे, या फिर देवर अनअवेयर थे अबाउट द देयर एडवांटेजेज, अपने जो इंस्क्रिप्शन के एडवांटेज के बारे में अनअवेयर थे। और बेटा द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है।
और बेटा आपका डिसाइफरमेंट इज द प्रोसेस, जो हमारी डिसाइफरमेंट है एक आपकी ऐसी प्रोसेस है, ऐसी क्रिया है ऑफ द रीडिंग, पढ़ने की या फिर समझने की द स्क्रिप्ट, उन स्क्रिप्ट को डेट वर यूज इन द इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ पर प्रयोग की जाती है, इंस्क्रिप्शन के अंदर। और बेटा स्क्रिप्ट आपकी जो किस चीज़ को रखती है, स्क्रिप्ट आपकी जो स्क्रिप्ट है कंसिस्ट ऑफ द साइन या फिर लेटर्स को आपको इंक्लूड की करती है। वन पास्ट और मैंने, बेटा जो हमारे जो पास्ट है वाज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पीपल, क्योंकि अलग अलग आपके पीपल का आपका पास्ट रखता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो किंग की जो लाइफ थी वो आपकी डिफर थी फ्रॉम द फार्मर की लाइफ से, क्योंकि जो फार्मर है लीड द वेरी हार्ड लाइफ आपका लीड करते थे, वेयर जो आपके जो किंग्स थे आपका दे लीड द लेवियस लाइफ, यानी कि बहुत ही लग्जरी लाइफ आपका व्यतीत करते थे। और किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड, मैंने अभी आपको बताया था जो हमारे जो किंग्स थे जो राजा थे वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर आपका कैप्ट देयर रिकॉर्ड, वो अपने रिकॉर्ड को कैप्ट करते थे ऑफ द विक्ट्रीज इन द बैटल्स, जो कि आपकी विक्ट्रीज थी जो विजय प्राप्त करते थे लड़ाइयों के अंदर। और दे गोट देयर ऑर्डर्स, या फिर वो अपने जो ऑर्डर्स थे आपका इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन और मेटल्स, वो ज़्यादातर अपने जो ऑर्डर्स थे या फिर अपनी विक्ट्रीज की जो डीड्स थी कार्यों को कहाँ पर आपका डिस्क्राइब करते थे, आपका ऑन द स्टोन्स या फिर मेटल्स के ऊपर डिस्क्राइब करते थे। और बेटा आपको पता है कि जो हमारे जो ऑर्डनरी पीपल है, जैसे कि फार्मर है, हंटर्स है, गैदर्स हैं या फिर हमारे हार्डर्स है, वो टू बिजी, वो ज़्यादातर बिजी रहते थे टू अर्न द मनी या फिर अपने मील्स को, अपने भोजन को अर्न करने के लिए। और देवर अन अवेयर टू कीप रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो आपके अन अवेयर थे, ज़्यादा आपके वो नहीं थे, ये नहीं जानते थे कि इन रिकॉर्ड्स को आगे जा कर के यूज़फुल आपको उसमें प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उनके बारे में इनकी कोई भी नॉलेज नहीं थी, और इस वास्ते वो ज़्यादातर आपका बिजी रहते थे टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपने जो जीवन की लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। और बेटा जो आपका अब जो है हमारे जो कस्टम्स हैं, जो कंट्री के अंदर अलग अलग कस्टम्स के जो हैं पीपल्स हैं, वो आपका प्रैक्टिस में पाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइम के जो रिलीजियंस हैं पाए जाते हैं। ओके, तो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट।